लगता भी नहीं है कि इमरान रियाज से भी कहाँ पर है। पाकिस्तान के नामवर सहाफी जिनसे कुछ जेलस होके उनको कभी कोई यूट्यूबर कह रहे, क्या उनकी मतलब फैम्स है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज खान कई दिनों से अगवा हैं, लापता हैं, उनकी फैमिली और फॉलोअर्स बहुत परेशान हैं। हरीम शाह पाकिस्तानी टिकटॉकर मैदान में आ गई इमरान रियाज की अगर रिहाई ना की गई तो जितनी भी वीडियोस हैं मैं सब लीक कर दूंगी। अगर 48 घंटों में इमरान रियाज घर ना पहुंचे तो हरीम शाह की धमकी आ गई। पूरी पाकिस्तान की आवाज था इमरान रियाज खान, एक दिलेर सहाफ़ी जिसने पूरी दुनिया में पीडीएम सरकार का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। ये इमरान रियाज के वालिद हैं, कितना परेशान है, अपने बड़े बेटे की बाजियाबी के लिए हर अदालत में पेश होकर परेशानी का सामना कर रहे हैं। अल्लाह पाक इमरान रियाज खान को घर सही सलामत पहुंचा दे, आमीन। पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है वेयर इज इमरान रियाज खान, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं कि कहां है इमरान रियाज खान। आज आला अदलिया ने आईजी साहब को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सोमवार को 9:30 पर इमरान रियाज को पेश ना किया गया तो आईजी पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान रियाज खान एक सच्चे और दिलेर आदमी और सबसे बढ़कर एक आजीज इंसान है। मैंने शायद ही ऐसा कोई सेलिब्रिटी देखा हो जो इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद जिससे भी मिलता है झुककर मिलता है, आजी से मिलता है। आप लोग रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत रही हो इमरान रियाज खान ने हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। आप भी हरीम शाह का वीडियो बयान मुलाजा फरमाएं। भी नहीं है कि इमरान रियाज से भी कहाँ पर है। पाकिस्तान के नामवर सहाफी जिनसे कुछ जेलस हो के उनको कभी कोई यूट्यूबर कह रहे, क्या उनकी मतलब फैम्स है, उनकी एबिलिटी से, उनकी हर चीज से लोग इतना जेलस हैं। और इसके साथ साथ उनको जिस तरह से गायब किया गया तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस तरह से डेट के मुकाबले की उन्होंने अपनी जान की बाजी तक उन्होंने हार दी और कितना वो टॉर्चर हो रहा है, लेकिन वो हमेशा हक और सच की आवाज बने हुए हैं, इमरान रियाज खान की आवाज बने। ऐसा इंसान आपको, इतना दिलेर इंसान और इतना दिलेर सहाफी हमें कभी नहीं मिलेगा इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो अभी उनकी जान बचाने की हमें जरूरत है और उनके लिए दुआ होने की।